नमस्कार, न्यूज टॉप नाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आर्मेनिया ने समझौते के बाद भी किया हमला। आर्मेनिया बना रहा रिहायशी इलाकों को अपना निशाना। रूस क्यों चाहता है कि जंग बंद हो? आर्मेनिया और अजरबैजान से जुड़ी 9 बड़ी खबरें जानने के लिए देखते हैं टॉप नाइन विध्वंसक महायुद्ध। सीज फायर के बाद भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग जारी। दोनों देश एक दूसरे के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे। नागोर्नो काराबाग में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कई जगहों पर झड़प हुई है। दोनों ही देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को निशाना बनाया है। ये वीडियो अजरबैजान की ओर से सामने आया है। इसमें तुर्की के कहने पर सीरिया के हमजा डिवीजन के आतंकी आर्मेनिया के सैनिकों पर लगातार गोलियां बरसा रहे हैं। मौत का खेल चल रहा है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर आर्मेनिया पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। अजरबैजान का आरोप है कि सीज फायर के बाद भी आर्मेनिया की सेना ने उसकी पोस्ट पर भारी फायरिंग की। वीडियो के जरिए अजरबैजान ने आर्मेनिया की आर्टिलरी पर भारी फायरिंग का आरोप लगाया है। आर्मेनिया की सेना ने अजरबैजान के ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया। एक के बाद एक हुए इस मिसाइल हमले में अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचा है। मिसाइल हमले से अजरबैजान के कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। अजरबैजान की सेना भी आर्मेनिया के ठिकानों पर जवाबी हमला कर रही। अजरबैजान ने ऐसा ही एक हमला कर आर्मेनिया के टैंकों को तबाह कर दिया। अजरबैजान के हमले में आर्मेनिया के कई टैंक देखते ही देखते तबाह हो गए। हमले में आर्मेनिया के कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के फजूली इलाके को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर दागी गई ये मिसाइलें खेतों में जाकर गिरी। इस मिसाइल हमले में अजरबैजान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सीज फायर के बाद भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही लड़ाई को लेकर रूस ने चिंता जताई है। रूस के विदेश मंत्री ने आर्मेनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। रूस ने दोनों ही देशों से सीज फायर का सम्मान करने को कहा है। रूस की पहल पर ही दोनों ही देश सीज फायर के लिए तैयार भी हुए थे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग के दौरान अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाग के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अब सीज फायर के बाद अजरबैजान के सैनिक इन इलाकों में खुद को और मजबूत करने में जुटे हैं। अजरबैजान की सेना नए जीते हुए इलाकों में बुनियादी व्यवस्था बनाने में जुटी है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जमीनी जंग के साथ ही सोशल मीडिया पर भी लड़ाई चल रही है। अजरबैजान का आरोप है कि आर्मेनिया ने उनके रक्षा मंत्रालय के नाम पर एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। अजरबैजान का आरोप है कि इस अकाउंट से उसके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। चीन कैसे कर रहा ताइवान पर हमले की तैयारी? जापान ने समंदर में कैसे दिखाई अपनी ताकत? और अफगानिस्तान से लौटने लगे अमेरिका के सैनिक? ग्लोबल युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप नाइन वर्ल्ड वॉर 3। ताइवान को अमेरिका से मिल रही मदद से बौखलाए चीन ने साउथ चाइना सी में J-15 से एयर ड्रिल की। एयरबेस से उड़ान भरने के बाद चीन के फाइटर जेट से एक आइलैंड को निशाना बनाते दिखे। चीन ने ये ड्रिल अपने पड़ोसी देशों को एयरफोर्स की ताकत दिखाने के लिए की। चीन की ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी है। फुजियान प्रांत के पास पीएलए की गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं। उधर ताइवान बॉर्डर के पास गुआंगडोंग आइलैंड पर पीएलए ने बड़ा युद्धाभ्यास किया, जिसमें पीएलए की तीनों विंग एक साथ शामिल हुई। चीन की गिदड़ भभकियों से ताइवान भी डरने वाला नहीं है। चीन को कड़ी नसीहत देते हुए ताइवान ने कहा है कि आइलैंड पर आधिपत्य की वो बिल्कुल ना सोचे। चीनी फाइटर्स की घुसपैठ पर ताइवान ने पीएलए को लास्ट वार्निंग दी है। जापान ने साउथ चाइना सी में नेवल एक्सरसाइज कर चीन को अपनी ताकत दिखाई है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स ने अपनी 3 वॉरशिप के साथ युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में एक हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट एक सबमरीन भी शामिल थे। साउथ चाइना सी में वर्चस्व को लेकर चीन जापान समेत दूसरे देशों को धमकाता रहा है। रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। रूस पर बम गिराने की प्रैक्टिस के लिए अमेरिका ने अपने 6B-52 परमाणु बम वर्षक विमान 57 बार उड़ाए। ये बॉम्बर की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से लैस है। ये मिसाइल 2500 किलोमीटर की दूरी से परमाणु बम गिराने में सक्षम है। इसके जरिए ब्रिटेन से ही रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना बनाया जा सकता है। फारस की खाड़ी में अमेरिका की बढ़ती दखलंदाजी का मुकाबला करने के लिए ईरान जल्द ही अपना नया वॉरशिप समंदर में उतारेगा। ईरान का कहना है कि वो समंदर में पर्शियन गल्फ नाम का अपना वॉरशिप उतारेगा। ये वॉरशिप मिसाइल और ड्रोन जैसे घातक हथियारों से लैस होगा। खास बात यह है कि वॉरशिप बगैर रिफ्यूल के बिना 3 बार दुनिया का चक्कर लगा सकता है। सीरिया के इदलिब में 2 आतंकी गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई है। यहां तुर्की समर्थक आतंकी गुट हयाल तहरीर अल शाम ने आतंकी संगठन खुरसान अल दीन के ठिकानों पर हमला किया। खुरसान अल दीन अलकायदा से जुड़ा आतंकी संगठन है। 2 आतंकी गुटों के बीच हुई इस खूनी झड़प में कई आतंकी मारे गए। अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में सीरिया के 600 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। ये आतंकी तुर्की की मदद से अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए नागोर्नो काराबाग पहुंचे थे। तुर्की की मदद से 1500 से भी ज्यादा सीरियाई आतंकी अजरबैजान की तरफ से जंग लड़ने के लिए नागोर्नो काराबाग पहुंचे थे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। अपने साजो सामान के साथ अमेरिकी सैनिक अब अपने देश लौटने लगे हैं। चंद दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि क्रिसमस तक सभी अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया जाएगा।
पाकिस्तान ने कहां बनाई आतंकियों की नई जमीन, नेपाल किस नेता पर किया पीएलए सैनिकों ने हमला, चीन और पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश। पाकिस्तान की नई आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अफगान शांति वार्ता के बीच वो जिहाद के नाम पर लोगों को उकसा रहा है। खबर है कि अफगानिस्तान की जमीन पर आतंकी तैयार करने में जुटा है ISI, जिसके लिए जहरीली किताबें बांटी गई हैं। यूएन में पाकिस्तान ने फिर कश्मीर का राग छेड़ा है। नायब देशों की बैठक में कश्मीर मुद्दा उठाने पर विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने पाक को लताड़ लगाई और भारत के खिलाफ प्रपंची हरकत के लिए फटकारा। पीयूके का सपना चूर चूर होते देख पाकिस्तानी आर्मी ने पीएम इमरान खान को गद्दी छोड़ने का अल्टीमेटम दे रखा है, लेकिन जनरल बाजवा ने कठपुतली सुल्तान को कुछ और मोहलत देने की बात कही है। अपने मुल्क पर कानून व्यवस्था के सवाल पर घिरे इमरान खान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे। कराची में मौलाना आदिल फारूक की हत्या के मामले में इमरान ने भारत को दोषी ठहराया। इमरान ने कहा कि भारत लगातार पाकिस्तान में गड़बड़ी फैलाने की साजिश कर रहा है। सीमा पार से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें जारी रखे हुए है। सीज फायर का उल्लंघन करते हुए उसने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। कई मोर्टार शेल बगैर फटे ही घरों में गिरे, जिसे जवानों ने निष्क्रिय किया। चीन से बढ़ती तनातनी के बीच भारतीय एयरफोर्स ने लद्दाख में अपनी ताकत दिखाई। लेह एयरबेस से रात के अंधेरे में MiG-29 चिनूक हेलीकॉप्टर और ग्लोब मास्टर ने उड़ान भरी। ड्रिल में अपाचे हेलीकॉप्टर ने भी अपना दम दिखाया। ड्रिल के जरिए एयरफोर्स ने दिखाया कि वो किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। DRDO ने स्वदेशी प्रोटोटाइप ड्रोन रुस्तम 2 की सफल फ्लाइट टेस्टिंग की है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रुस्तम 2 ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर 8 घंटे की उड़ान भरी। DRDO ने ड्रोन सेना की मदद के लिए बनाया है। ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन की तलाश करने, निगरानी रखने और टारगेट पर सटीक निशाना लगाने, यहां तक कि सिग्नल इंटेलिजेंस में भी होता है। बॉर्डर विवाद में चीन के सैनिकों ने नेपाल की एक टीम पर आंसू गैस के गोले दागे। नेपाल की ये टीम हुमला जिले के नमखा में सीमा पर लगे पिलर की जांच करने पहुंची थी। टीम का नेतृत्व नेपाली कांग्रेस के नेता जीवन बहादुर शाही कर रहे थे। टीम पर आंसू गैस के गोले तब दागे गए जब ये टीम पिलर नंबर 5, 6, 7 और 8 का निरीक्षण कर वापस लौट रही थी। कितनी भी साजिश रच ले ड्रैगन, भारत का बच्चा बच्चा उसके खिलाफ है। लेह के चुशूल में तैनात जवानों को गश्त के दौरान एक गाँव के बच्चे ने सैल्यूट किया। देश प्रेम का जज्बा देखिए। राजस्थान के बाद यूपी में कहां महंत को मारी गई गोली और कहां गायब है मानव तस्करी के लिए लाई गई एमपी की 11 बेटियां। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। लड़कियों की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। हाथरस में मध्य प्रदेश से लाई गई 11 लड़कियां गायब हैं। एक नाबालिग लड़की सड़क पर रोती बिलखती मिली, जिसने इसका खुलासा किया है। 3 दिनों से उन्हें भूखा रखा गया था। हाथरस रेप केस में कल हाईकोर्ट में पीड़ित के परिजन अपना बयान देंगे। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें आज लखनऊ ले जाया जा रहा है। लखनऊ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 5 लोगों को बयान के लिए बुलाया है। रेप के बाद नाबालिग लड़की ने केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। आरोपी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन मामला बिगड़ने पर वो फरार हो गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना अतरैला थाना क्षेत्र की है। पीड़िता की हालत चिंताजनक है। राजस्थान के बाद यूपी में एक महंत पर जानलेवा हमला किया गया। गोंडा में राम जानकी मंदिर के महंत सम्राट दास को सोते समय गोली मार दी गई। उनकी सुरक्षा में 2 होमगार्ड जवानों को तैनात किया गया था। तिर्रे मनोरमा इलाके के मंदिर की जमीन को लेकर यह हमला किया गया। गोंडा में महंत सम्राट दास को गोली मारने का आरोप ग्राम प्रधान अमर सिंह सहित 4 लोगों पर लगा है। महंत सम्राट दास महंत रामविलास वेदांति के मठ से जुड़े रहे हैं। बदमाशों ने पहले पिछले साल यहां के तत्कालीन महंत सीताराम पर भी हमला किया था, जिस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सिपाही ने अपने साथी सिपाही अशोक शिकारा की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी शंकर सिंह फैक्ट्री के अंदर ही छिप गया। 12 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद भी उसे बाहर निकालने के लिए आर्मी की कोशिश जारी है। ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए बड़े सुधार की कोशिशों के तहत पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना की सौगात दी। इस योजना के तहत लगभग 1 लाख भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। असम पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में रेलवे के 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक 45 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया जा चुका है। DGP के मुताबिक कई डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। यूपी में कहां धू धू कर जली फुटवेयर की दुकान। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का क्या है एक्शन प्लान और बिहार चुनाव को लेकर आज नड्डा कहां भरेंगे हुंकार। राज्यों से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 राज्य। शॉर्ट सर्किट से फुटवेयर की दुकान में भीषण आग लग गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के दिव्यापुर रोड स्थित दुकान में आग लगने के दौरान गीजर फट गया, जिसकी वजह से आग और भड़क गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
ग्रेटर नोएडा की अल्ट्राटेक चौकी थाना क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। अंकित और राजेश नाम के दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनके पास से हथियारों के साथ बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है। 15 अक्टूबर से लागू होने वाले ग्रैप के लिए टीम तैयार कर ली गई है। पराली पर बायो डी कम्पोजर का आज से छिड़काव शुरू किया जा रहा है और प्रदूषण फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस से भारत को राहत मिलती दिख रही है। भारत में रिकवरी का आंकड़ा 60 लाख को छू गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 5 राज्यों में अब भी 61% केस हैं। इनमें से आधे से ज्यादा यानी 54.3% रिकवर हो चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से बिहार में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। नड्डा आज गया के गांधी मैदान में दोपहर 2 बजे चुनावी सभा करेंगे। गया में चुनावी सभा करने के पहले जेपी नड्डा पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर दिवंगत रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की है। जीतन राम मांझी ने अपने पत्र में लिखा कि पासवान ने समाज के हर तबके के लिए काम किया है, इसीलिए उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच सुरक्षा अधिकारियों ने पटना जंक्शन से 8,42,00,000 रुपए के सोने के साथ मिथिलेश नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। मिथिलेश के पास से 2,30,000 रुपए नकद भी बरामद किया गया। पुलिस मिथिलेश से पूछताछ कर रही है। आज महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। इस मौके पर कोरोना काल में उनके प्रशंसकों ने बधाई देने का नायाब तरीका ढूंढ रहा है। मुंबई में उनके घर के बाहर कोरोना से एहतियात के पोस्टर चिपकाए गए हैं। मुंबई में मूर्ति बनाने वाले लॉकडाउन के बाद भी अपने कारोबार को लेकर परेशान हैं। इस साल कोरोना के कारण ग्राहक कम है। कलाकारों का कहना है कि उनकी बिक्री में लगभग 50% की कमी आई है। इसके अलावा कलाकारों का कहना है कि मूर्तियों की ऊंचाई पर प्रतिबंध लगाने की वजह से आमदनी कम हो रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।